इसके इंग्रेडिएंट्स हैं फुल क्रीम दूध 500 ml, वनीला आइसक्रीम 3 स्कूप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, पाउडर्ड चीनी 2 टीस्पून, कॉफी 2.5 टीस्पून, चॉकलेट सिरप गार्निश के लिए। हमारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जानने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करें। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर डालेंगे दूध को। दूध को यहाँ पर मैंने ठंडा कर इस्तेमाल किया है और इस दूध को मैंने गर्म नहीं किया है। अब दूध के अंदर मैं डाल रही हूँ वनीला आइसक्रीम। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इंस्टेंट कॉफी। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर्ड चीनी। आप चाहें तो नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जल्दी घुल जाती है इसलिए मैं पाउडर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इन सारी चीजों को मैंने एक जग में ट्रांसफर कर लिया है और इसमें मैं अब डाल रही हूँ वनीला एसेंस और साथ ही मैं डाल दूंगी कुछ आइस क्यूब्स। और अब इन सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर तैयार कर लूंगी जब तक कि ये फ्रॉथी नहीं हो जाती, यानी हल्का झाग नहीं आ जाता इसके ऊपर। तो लीजिए, हमारा कॉफी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको सर्व करने की तैयारी करेंगे। तो जिसके लिए मैंने एक ग्लास के अंदर चॉकलेट सिरप को इस तरह से डालकर ग्लास में रोटेट कर लिया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला आइसक्रीम 1 स्कूप। आप चाहें तो व्हिप्ड क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एंड में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप वनीला आइसक्रीम को तब स्किप कर सकते हैं। इसमें अब मैं डाल रही हूँ कोल्ड कॉफी और फिर मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी थोड़ी सी इंस्टेंट कॉफी। आप चाहें तो चॉकलेट स्प्रिंकल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, झटपट तैयार है हमारी कोल्ड कॉफी, वो भी घर बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए हमें प्लीज सब्सक्राइब करें। और हमारी अगली रेसिपी तक खाइए, खिलाइए, खुशियां बांटिए।